वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कितना देखिए प्यारा सेट निकल के आया सर। ये देखिए, वाह, मात्र 2 से 3 मिनट में बोल सकते पूरा कंप्लीट स्लीपर आ गया जी आपका जी निकल के। हम आपको इस चप्पल के ऊपर डिजाइन बना करके दिखाएंगे और डिजाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा पूरा सेट लगा हुआ तैयार है, इसको एक तरह से स्टेज बोल सकते हैं। अच्छा, आज हमें क्या होने वाली है? आज हम आपको बताने वाले हैं इस मशीन के बारे में, जो एक मशीन करती है 4 काम। एक मशीन 4 काम जी, एक मशीन हमारी ये 4 काम करती है। अगर एक बिजनेस डाउन चल रहा है आप दूसरा कर लीजिए, दूसरा डाउन चल रहा है तो तीसरा करिए, और तीसरा डाउन चल रहा है तो आप चौथा कर सकते। सिर्फ एक मशीन से आपका 4 बिजनेस जी, हो जाएगा। 4 बिजनेस करती है। वाओ वाओ, इस मशीन से आप सैंडल भी बना सकते हैं। वाओ, चप्पल भी बना सकते हैं और इसमें पैकिंग का काम भी कर सकते हैं इसी मशीन से। जी, इसी मशीन से बहुत तरह तरह के आइटम ये हमारी मशीन निकालती है। एक ये जादू का पिटारा है, यहाँ इसमें रंग दिए, अब इसको हम प्रेस करते हैं। ओके ओके, ये देखिए ये प्रेस किया है, ये कट गया है, कितना इजीली स्मूथली कटिंग हो रही है। वाओ, ये आपका तो पूरा स्लीपर बन गया इस तरीके से। कितनी फिनिशिंग है सर, आप देख पा रहे हैं कितनी फिनिशिंग है इसको। क्वालिटी मतलब बहुत अच्छा है इसका, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है। ओके ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है सीधे फैक्ट्री से। जी हाँ, ऐसे फैक्ट्री से जो कि मैन्युफैक्चरर है, खुद दूसरों की फैक्ट्रियां बनवाते हैं। तो सर, हम आपके पास आए हैं, हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बिजनेस आइडिया ऐसा बताइए कि जिससे अपना बिजनेस आइडिया शुरू करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सके। जी जी, तो दोस्तों नमस्कार, मैं सीपी सिंह राठौर आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से लेकर के आप कार तक का सफर तय कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया आपको एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जो छोटी सी पूंजी लगा करके आप बहुत सारा पैसा कमा सर, सकते हैं। कितने बजट से स्टार्ट कोई बिजनेस कर सकता है जो वीडियो देख रहा है? देखो, एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट कर सकता है, 20,000 रुपए लगा करके भी चालू कर सकता है, 35,000 रुपए लगा के भी चालू कर सकता है। डिपेंड करता है कि सामने वाले के पॉकेट में कितना पैसा है। बिजनेस में पैसा लगाने की कोई लिमिट नहीं होती है। नहीं जी, बिल्कुल सही बात सर। तो आप 20,000 रुपए से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, 1,00,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2,00,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, क्या बिजनेस आपका बेसिकली होने वाले, आपके पीछे मुझे कुछ मशीन दिख रहा है, और इसमें क्या मतलब इस मशीन से क्या प्रोडक्ट आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई कर सकता है? तो आज हमें क्या होने वाली है? आज हम आपको बताने वाले हैं इस मशीन के बारे में, जो एक मशीन करती है 4 काम। एक मशीन 4 काम जी, एक मशीन हमारी ये 4 काम करती है। अगर एक बिजनेस डाउन चल रहा है आप दूसरा कर लीजिए, दूसरा डाउन चल रहा है तो तीसरा करिए, और तीसरा डाउन चल रहा है तो आप चौथा कर सकते। सिर्फ एक मशीन से आपका 4 बिजनेस हो जाएगा। 4 बिजनेस करती है। वाओ वाओ, ये 4 प्रोडक्ट निकालती है। 4 में हम आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। ओके ओके सर, तो क्या है बेसिकली, अभी किस चीज का है आपने मशीन लगाया हुआ है? अभी ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसके अंदर इस तरह की आप पेपर प्लेट भी बना सकते हैं, डोने बना सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की आप थालियां बना सकते हैं। अच्छा, ये तो जो काफी हमारे फंक्शन में चलते हैं इंडिया में जी, जी हर फंक्शन में, तो इससे भी ये मैन्युफैक्चरिंग हो इस तरह की आप जी जी इस तरह की आप थालियां बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं, डोने बना सकते हैं, और बना सकते हैं आप इस तरह की रिंकल प्लेटें। अच्छा, छोटे प्लेट भी इससे बन जाए? जी जी, एक मशीन से कई सारे प्लेटें, बहुत सारी प्लेटें, डोने, बाउल, सब कुछ आप इससे बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आसाम है, बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, या फिर आप बिहार में बैठे हैं, कहीं से भी बैठ के ऑल ओवर इंडिया में आप अपना मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ओवर इंडिया जी जी, हम लोग जगह आप प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, देश विदेशों में भी हमारी मशीनें जाती हैं, ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्टर हैं। जी 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 जी, तो मतलब सर, एक मशीन में, एक ऐसे में समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी मशीन में देख रहा हूँ, आप बता रहे इसमें अलग अलग डिजाइन के पत्तल, दोने, और क्या हो सकता है मतलब? और इसके बाद मान लीजिए, चलो कोई जो वीडियो देख रहा है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, तो इससे कम से कम 4 चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो आपने तो एक ही बता दिया, तो अभी और कुछ भी है मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है सिर्फ इतना ही? सर, इस मशीन से आप सैंडल भी बना सकते हैं। वाओ, चप्पल भी बना सकते हैं और इसमें पैकिंग का काम भी कर सकते हैं इसी मशीन से। जी, इसी मशीन से बहुत तरह तरह के आइटम ये हमारी मशीन निकालती है। एक ये जादू का पिटारा है, मीन्स एक मशीन काम अनेक। जी ओ
तो जादू का पिटारा है ये तो अलादीन का चिराग है, इसको जितना चलाएंगे जितना घिसेंगे उतना पैसा कमा करके आपको देगी। तो कितनी लागत की होगी सर ये मशीन? मतलब इस मशीन की कीमत है हमारी 1,25,000 रूपए। ओके ओके ओके। 1,25,000 रूपए में हम पूरा सेट दे रहे हैं इन डाइयों के साथ में, जिसमें आपको चप्पल की भी डाइयां मिलेंगी, पेपर प्लेट की भी डाई मिलेगी, जूना पैकिंग की डाई मिलेगी, पूरा सेटअप हम यहाँ आपको 1,25,000 रूपए में देने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा 1,25,000 में आप 4 फैक्ट्री एक मशीन से ओपन करवा दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। तो आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, अगर कोई मशीन ऑर्डर करना चाहे तो कैसे मशीन मंगा सकता है? सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे दोस्त कहीं पे भी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में, बिहार में, बंगाल, उड़ीसा, आसाम या गुजरात में, कहीं से भी बैठ करके ऑर्डर कर सकते हैं। जी जी। आप कंपनी को पैसा भेजिए, कंपनी के अकाउंट में आप पैसा भेजिए, कंपनी यहाँ से आपको ये ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके यहाँ तक भेज देगी। अच्छा अच्छा। तो कुछ इसके बारे में सर और फीचर्स दिखाइए हमारे व्यूवर्स को, ताकि ये जब मशीन वो ऑर्डर करना चाहे तो उनके जो भी माइंड में थॉट्स है वो क्लियर हो जाए और वो अपना वीडियो देख के इस मशीन को ऑर्डर करके जी जी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सके। जी जी। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारा कुछ करके दिखाएंगे कि इस मशीन से पेपर प्लेट कैसे बनती है, थाली कैसे बनती है और चप्पल कैसे बनती है। सारा प्रोसेस अगर आपको सीखना है, देखना है या समझना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आज के समय में कौन अच्छा बिजनेस नहीं चाहता? अगर आप एक मशीन से 4 बिजनेस लोगों को बताएंगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। एक्चुअली में क्या है कि लोगों को थोड़ा जल्दी रहता है, वीडियो को स्किप करके वो आगे चले जाते हैं, बीच में छोटे छोटे टिप्स है, छोटी छोटी चीजें जो सीखने योग्य हैं तो वो लोग छोड़ जाते हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो बीच के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप मिस कर जाएंगे, फिर आप फोन करके हमसे पूछेंगे ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो मैं दोस्तों से यही निवेदन करता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं। ओके ओके सर। तो क्या अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपका? अभी हम आपको प्लेट बना करके दिखाते हैं, थाली। जी जी दिखाइए सर। इस तरीके से प्लेट मशीन में आसानी से निकल जाएगा। ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटेड है और इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होगा, सिर्फ एक जगह आपको खड़े होकर देखते रहना है कि प्रॉपर प्लेट इस मशीन से निकल रहा है या नहीं। ये आपका इस तरीके से कुछ प्रेस करेगा और ये आपका प्लेट कुछ सेकेंड में निकल गया। अभी जस्ट रिसेंटली हमने इस मशीन से इतने सारे प्लेट निकाले हैं। मशीन की अगर बात करें तो मशीन फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है। पीछे आप पेपर लगा देंगे, ये पेपर रोल है आपका, और ये पीछे आपका एयर है, इसमें एयर आपको देता रहेगा ताकि आपका रोल ठंडा रहे। और आसानी से आप इस मशीन के थ्रू पेपर कई सारे निकाल सकते हैं। मोटर है ये आपका पूरा मशीन, जहाँ से आप देखते रहेंगे क्या है कैसे है, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं आसानी। जैसे कि पहले हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि इसमें थाली कैसे बनती है, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें चप्पल कैसे कटिंग होती है। अच्छा, मशीन तो सर वही है, सिर्फ अभी जस्ट है, सिर्फ ये हैमर प्लेट इसकी हमने ये निकाल करके यहाँ से रिमूव करके और ये हैमर प्लेट हमने इसमें लगा दी है। ले इसी मशीन से हमारा वो प्रोड्यूस अपना पत्तल अब इससे नेक्स्ट आप स्लीपर भी बनेगा हमारा। हमारी मशीन के अंदर एक फैसिलिटी और भी है जो आपको किसी की मशीन में नहीं मिलेगी, ये स्लाइडिंग सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं। आपने ये सीट ऐसे रखी है जी जी, और यहाँ इस कोने से लेके इस कोने तक आप कहीं पे भी इसको कटिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। सीट को आगे पीछे सरकाने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ डाई रखी, डाई रख करके आराम से कहीं पे भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो मतलब एक ही मशीन से आपका कई सारे काम फुल्ली ऑटोमेटेड। फुल्ली ऑटोमेटेड। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चप्पल कटेगी जी जी और जी किस तरह से इस पे प्रिंट होगा, इसको प्रिंट करके भी हम दिखाएंगे, डिजाइन बना करके दिखाएंगे और किस तरह से इसमें फीचर डलेगा। मीन्स अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग सर आप मतलब इसी मशीन से स्लीपर का भी कर सकता है? जी जी, तो बहुत अच्छी बात। हमारे आज हम आपको बना करके दिखाने वाले की सैंडल, ये हमारी मशीन सैंडल कैसे बनाती है। ओके ओके ओके। तो सर क्या इसका प्रोसीजर रहेगा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। ओके ओके। इस तरीके से इसमें सेटअप होगा अपना जी। ओके, ये देखिए इस तरह से डाई रखी है यहाँ पे जी जी, और ये यहाँ इसमें डाई रख दी है। अब इसको हम प्रेस करते हैं। ओके ओके, ये देखिए ये प्रेस किया है, ये देखिए ये कट गया है, कितना इजीली स्मूथली कटिंग हो रही है। वाओ,
ये आपका तो पूरा स्लीपर बन गया इस तरीके से। कितनी फिनिशिंग है सर, आप देख पा रहे हैं कितनी फिनिशिंग है इसको, क्वालिटी मतलब बहुत अच्छा है इसका, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है। ओके ओके ओके, तो आपने तो बहुत अच्छा है मशीन हमारे व्यूवर्स को दिखाया। देख पा रहे हैं कहीं पे भी कहीं आपको ग्राइंडिंग मारने की जरूरत नहीं है, कहीं ग्राइंडर करने की जरूरत नहीं है, कितनी फिनिशिंग है, कितनी शाइनिंग है, आप स्लीपर के ऊपर देख सकते हैं, कहीं रेसा आपको नहीं मिलेगा। ओके ओके, ये समय बचता है आदमी का। अच्छा अच्छा, काट के दिखाएंगे जी, और इसी से हम आपको सैंडल भी बना करके दिखाएंगे। ओके ओके ओके, इसी मशीन से सर? जी जी, इसी मशीन से सैंडल भी आपको बना करके। सर आपने चार प्रोडक्ट बताया था और इसमें तो ये कम से कम में देख पा रहे हैं हमारे व्यूवर्स इस वीडियो में, पचवां छठवां आइटम ये निकल रहा है इससे। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरे पैर की चप्पल कट गई है आपके सामने, और कट गई है इस तरीके से, फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब एक ही सीट में आपको मशीन मूव नहीं करना पड़ेगा, सीट मशीन ही अपना फुल्ली ऑटोमेटिक कट कर देगी। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर, ये कट गया है और ये सेंटर ऊपर गया है, ये देखिए डाई हमने ये ऊपर निकाली है, इस तरीके से ये कट के तैयार हो। ओके ओके, अब हम ये हमारा राइट पैर का कट गया है, सीधे पैर का ये कट गया है, अब हमको लेफ्ट पैर कैसे काटना है वो भी हम आपको बता देंगे। ओके ओके, अब हम इस सीट को पलटते हैं। अच्छा अच्छा, सीट को उल्टा करते हैं, गाड़ी हमारी एक ही काम करेगी। ओके ओके, इस तरीके से हमने ये सीट को उल्टा कर दिया है, अब देखिए उल्टी हो गई है। अब हम इसको यहाँ मशीन के नीचे रखते हैं और ये हमने सिलेंडर यहाँ किया, ये कटिंग हो गया। ओके ओके, मतलब दोनों सेट इस हो गए अपना जी, ये देखिए वाओ कितनी आसानी से, ये देखिए, और वही फिनिशिंग, वही स्मूथनेस, वही सब कुछ दिख रहा है पूरे तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके 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 ओके, ये लेफ्ट साइज की, मतलब अभी जो हमने निकाला था उसी के दूसरे साइज का है जी जी, ये लेफ्ट साइड का पैर ये कट गया है, ये कट गया है, अब इसको हैमर पर ऊपर लगते हैं, अब देखते हैं कि कैसी फिनिशिंग आ रही है इसकी। ये निकल गया, ये देखिए, और फिनिशिंग अगर आपको देखनी है इसमें से निकाल करके हम आपको फिनिशिंग दिखा रहे हैं कि स्मूथली कटिंग हो रहा है। ये देखिए, कहीं पे भी रेसा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले हमने आपको काट के दिखाया था सीधे पैर का, अब ये हो गया बाएं पैर का, ये दोनों पैर का हमने आपको काट के दिखाया है। अब इसमें फीता कैसे डलेगा और इसके ऊपर डिजाइन कैसे बनेगा, नंबर कैसे डलेगा, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला। ओके ओके, मीन सारा कुछ इसी मशीन से आप ही बता देंगे अपना जी, कि वो अपना वो स्लीपर का सैंडल का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सैंडल भी बना करके दिखाते हैं। ओके 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 सर, ये देखिए सैंडल की डाई, ये आपका सैंडल का डाई, ये सैंडल की डाई है, इस तरीके की सैंडल की डाई होती है। ये डाई है हमारी जेंट्स की 6 नंबर। ओके ओके ओके, 6 नंबर की डाई है, तो ये 6 नंबर सैंडल आज आपको बना करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये हम काट रहे हैं। इसमें 6 नंबर का एक पैर ये आ गया और ये हैमर दबाया हमने, ये कटिंग हो गई स्मूथली, अब ये सिलेंडर ऊपर गया, ऑटोमेटिक है सारा, आपने देखा भी, और ये इसके अंदर से ही ये निकल गया। वाह, अब ये इसमें फीता भी हम आपको काट करके दिखाएंगे, ये देखिए कितना स्मूथ कटिंग है, फिनिशिंग देखिए आप, हाँ। कितनी लाजवाब है, हाँ, वो देख पा रहे हैं हमारे व्यूअर्स वीडियो में। अब ये हमने सैंडल का एक बायां पैर काटा है, अब हम आपको दायां पैर भी काट के दिखाते हैं। ओके ओके ओके, सब ये आपका दायां पैर का होने वाला जी, जी जी, दायां पैर है ये हमारा। ओके ओके, और ये कोना हम काट रहे हैं इसका, ये कट गया है और ये सिलेंडर ऊपर आ गया, देखिए कितना बढ़िया स्मूथली कटिंग हुआ है। वाह सर, आपने तो 2 मिनट में पूरा सैंडल बना के दे दिया। जी जी जी, मुझे लगता है 2 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, कुछ सेकंड्स के अंदर 1.5 मिनट के अंदर एक जोड़ी चप्पल बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, घड़ी के हिसाब से 1.5 मिनट में। ये देखिए, ये दूसरा पैर कट गया है, पहले हमने बायां काटा था, अब ये दायां काट गया। अच्छा, कंप्लीट आपका सैंडल तैयार हो गया। उसमें फीते उते का कैसे, अगर जिसको मतलब कुछ एडजस्ट करना, सब आपको करके अभी दिखाएंगे। ओके 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 सर जी, सर तो अभी मतलब आपने सैंडल कंफर्म दिखा दिया, अब क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस मशीन से क्या होने वाला है? अब नेक्स्ट काम हम उसको करके दिखाएंगे, इस पे फीता डाल करके दिखाएंगे, जो हमने स्लीपर काटी है इसका फीता आपको डाल करके दिखाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि प्लेन में मजा नहीं आता,
प्लेन में मजा हाँ, नहीं आता। आजकल तो कोई भी है, लेडीज है, जेंट्स है, तो डिजाइन थोड़ा सा फैशनेबल चाहिए। तो फैशन, इसको फैंसी करने के लिए हम आगे इसके ऊपर डिजाइन आपको बना के इसी मशीन से हो जाएगा सर, मशीन से होगा सर। वार्निश साफ कंप्लीट करके पूरा दे देंगे इसी मशीन से। कहा था कि वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप देखते रहें, इसमें बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए आपको मिलेगा। ओके ओके, आइए दिखाते हैं दूसरा। और इस समय इसके अंदर काउंटर मार रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो स्टेप का बटन होता है उसको बिठाने के लिए काउंटर इसमें बहुत ज़रूरी है। तो काउंटर मारने के लिए एक हैंडल भी मशीन के साथ ही आपको मिलता है, और मशीन के साथ 15 डाइयां भी मिलती हैं। ये देखिए इस तरह से ये काउंटर, इसमें जो फीता होता है उसका बटन इसमें बैठ जाता है। तो इस तरह से ये हॉल जो है ये तो डाई से ही हो जाते हैं, बट ये काउंटर जो है इससे ड्रिल मशीन से होगा। तो इस तरह का ये ग्राइंडर आपको मिलने जा रहा है मशीन के साथ, ये ग्राइंडर में मिलेगा। एक तरफ फिनिशिंग के लिए होता है, एक तरफ ये ड्रिल के लिए होता है। तो आई थिंक फिनिशिंग का तो वर्क होता नहीं होगा उतना, ग्राइंडर से सारा काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल हार्डवेयर से अगर आप बना रहे हैं, चप्पल कटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल फिनिशिंग आती है, इसमें ग्राइंडिंग मारने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। ओके ओके ओके, तो इसी तरीके से मतलब अपना जो फीते का काम है कुछ इस तरीके से हो रहा है। जी जी जी, अभी आपने जो अपने मैन्युफैक्चरिंग करके अपने दोस्तों को वीडियोस में दिखाया। जी जी जी, अब इसके बाद सर इसमें क्या वर्क, उसके बाद हम आपको इस चप्पल के ऊपर डिजाइन बना करके दिखाएंगे, और डिजाइन बनाने के लिए क्या करना होगा। ये हमारा पूरा सेट लगा हुआ तैयार है, इसको एक तरह से स्टेज बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये स्टेज है पूरा बना हुआ कंप्लीट है। ये प्रिंटिंग बोर्ड है, इस तरह का प्रिंटिंग बोर्ड भी आपको मिलेगा, एक लेडीज का, एक बच्चे का और एक जेंट्स का ये मिलेगा। ये टेबल कस्टमर को खुद तैयार करानी होगी। जी जी, ठीक है। और इस तरह से ये अड्डा बनेगा, तो अब कैसे प्रिंट होगा हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कि किस तरीके से ये चप्पल प्रिंट होगी, किस तरीके से डिजाइन बनेगा। ओके, सबसे पहले ये टेबल पे हम लोगों ने ये अड्डा बना लिया, अड्डा बनाने के बाद में इसके ऊपर प्राइमर लगाया जाएगा। ओके ओके ओके, ये बोतल में आप देख रहे हैं ये प्राइमर है। प्राइमर होता है इसको जो पेंट है उसको हार्ड करने के लिए। जी जी, ताकि अच्छे से पकड़ सके, पकड़ सके। अगर प्राइमर हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर तो ये पेंट की पकड़ नहीं होगी, पेंट छूट जाएगा। तो ये हल्का सा प्राइमर का कपड़ा हमने इसके ऊपर मारा है, अप्लाई कर दिया है, और 2 सेकंड के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये बच्चा है, ये किस तरीके से इसके ऊपर डिजाइन बनाता है। और आगे दिखाइए डिजाइन। आपने देखा दोस्तों कि इस तरह से पहले हमने प्राइमर का इस्तेमाल किया, हल्का सा प्राइमर अप्लाई किया है, और ये व्हाइट कलर है हमारे पास में, ईवा व्हाइट कलर है। ये हमने प्रिंटिंग बोर्ड के ऊपर डाल लिया है। जी जी। नीचे हमने ये स्लीपर जो काटी थी वो रखी हुई है। अब इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है आप देखिए, किस तरह से अप्लाई करने हैं। देखिए ये किया बच्चे ने इस तरह से, एक ही कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा कलर करके दिखाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, पॉसिबल नहीं होगा सब कुछ दिखा। बहुत सुंदर, वाह वाह, देखिए प्यारा सेट निकल गया है सर। ये देखिए, मात्र 2 से 3 मिनट में बोल सकते हैं पूरा कंप्लीट स्लीपर आ गया आपका निकल के। ओके ओके, मींस एक मशीन, एक स्लीपर, सैंडल और इतना सारा कुछ। सर अभी और भी कुछ इस मशीन से बन सकता है? कुछ बन सकता है बहुत सर। आपने 4 थिंग्स बताया था आई थिंक, ये तो बहुत सारी चीजें भी आपने दिखा चुके। अभी क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है इस मशीन से? इसके अंदर आप जूना भी पैक कर सकते हो। अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो को आप पूरा देखिए, देखते रहिए, बने रहिए। हम आपको और भी बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं। सैंडल बना करके दिखाएंगे, पूरा फीता इसमें डाल करके दिखाएंगे। ओके ओके, फिर देखिए आप फिनिशिंग कितनी जबरदस्त आती है। जी जी जी, फिर जरूर सर। देखिए दोस्तों, पहले हमने आपको इस तरह का सुंदर सुंदर पेंट करके दिखाया था, अब हम आपको इसके अंदर फीता डाल के दिखाते हैं। फीता डालने से इस चप्पल की खूबसूरती कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। डाल के दिखाइए जरा हमारे दोस्तों को किस तरह से फीता डाला जाता है। अच्छा, पूरा सेटअप आप ही मतलब प्रोवाइड करा देते हैं? इस तरह की ये फीता डालने की टेबल भी इस मशीन के साथ में आपको मिल जाएगी। तो देखिए फीता कैसे डाल रहे हैं ये, इस तरीके से आपको अंदर से डालना है। ओके, हाँ, इसको बाहर से, बाहर की तरफ से नहीं डालना, हमेशा अंदर की तरफ से डालना है। ये छोटी छोटी बातें सीखनी होगी। दूसरे पैर का डालिए, देखिए सर कितना सुंदर चप्पल बन के तैयार हो गया है। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया इसी मशीन से। जी, इसी मशीन से पूरा चप्पल कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम इसके ऊपर सिलिकॉन अप्लाई करेंगे। फीता डालने के बाद सिलिकॉन जब हम मारते हैं तो शाइनिंग के लिए होता है, एक क्रीम का काम करता है। अच्छा 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 जी, ओके ओके, तो एक कंप्लीट हो गया आपका स्लीपर इसी मशीन से। ये एक जोड़ा बन करके तैयार हो गया, देखिए कितनी सुंदर स्लीपर है सर। यहाँ चाहे तो इस प्रिंट के साथ आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप
अपना मनपसंद का रेट भी डाल सकते हैं, एमआरपी रेट 149 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से आप चाहे तो कोई भी रेट डाल सकते हैं, प्रिंटिंग बोर्ड के अंदर ये सारा आपको छपाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप अपना ब्रांड का नाम भी डाल सकते हैं। ओके ओके, मींस अपना खुद का ब्रांड का नेम से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना ब्रांड चलाना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं नया ब्रांड, तो आप मेरे को बताइए, मैं आपका ब्रांड तैयार करा के उसमें भी आप हेल्प करेंगे, हमारे भी पूरी हेल्प करूंगा सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्या इस मशीन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला है सर? हम आपको सैंडल बना करके दिखाने वाले हैं, आप बने रहिए मेरे साथ में। एक जोड़ी चप्पल है इसमें फीता डल जाए, उसके बाद में हम आपको सैंडल बना के दिखाएंगे। ओके ओके सर। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाई थी चप्पल बना करके, चप्पल कैसे बनी है, अब आप देखिए कि सैंडल कैसे तैयार होता है। इसी मशीन से आप सैंडल भी बना सकते हैं। वीडियो तो दोस्तों आपने बहुत सारी देखी होंगी, पर हमारी जैसी वीडियो आपको पूरी YouTube चैनल पे देखने को कहीं नहीं मिलेगी। जी जी, तो एक मशीन कितने काम करती है आपने देखा होगा सर, आपने चार प्रोडक्ट बताया थे, लेकिन सैंडल, चप्पल, दोने जी जी, और पत्तल, कई सारे चीज मतलब इससे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी जी, अब इसी मशीन से आप सैंडल भी बना सकते हैं। सैंडल बनाने के लिए अब आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत महंगा महंगा सर, लोग अपना खुद का फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन तब भी उनको उतना रिस्पांस मिले या ना मिले, लेकिन अगर वो कम पैसे में देख सकते हैं कि उनका बिजनेस किस तरीके से रन करेगा। आ रहे हैं आप, कितनी सुंदर सी सैंडल आपके सामने बनके तैयार हो गई है। इसी मशीन से हमने सोल काटा और इसी टेबल से हमने ये फीता डाला है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये खोलने का और बंद करने का स्ट्रिप्स भी लगी हुई है। इस तरीके की बद्दी लेकर के और इस तरह की मशीन लेकर के ये खूबसूरत सी सैंडल आप खुद बना सकते हैं। वाह, अपने घर से मतलब छोटी सी, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होगा इस मशीन के लिए। छोटे से कोने के अंदर, घर के छोटे से कोने में ये मशीन लग जाएगी और घर वाली ही बिजली से ये मशीन चलने वाली है। कहीं आपको कमर्शियल कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने गांव या शहर में कहीं से भी इस तरह का ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके 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 सर, इस तरीके से पूरा आपका कंप्लीट सैंडल हो गया। जी जी, तो ब्रांडिंग का और सारा सब कुछ का आप सपोर्ट करेंगे। जी जी, मैंने आपको बता दिया कि अगर उनको ब्रांड अपना बनाना है, आपको डब्बा चाहिए, थैली चाहिए, पन्नी चाहिए, जो जो कुछ चाहिए सब कुछ मेरे पास से मिल जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की दरकार नहीं है। एक कंप्लीट आपका सैंडल तैयार हो गया। इससे आपको कुछ भी चाहिए, चप्पल से रिलेटेड, पेपर प्लेट से रिलेटेड, आपको डाइयां चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ मेरे पास से मिलने वाला है आपको। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सिलिकॉन चाहिए तो सिलिकॉन भी मेरे पास मिलेगा, पेंट चाहिए तो पेंट भी मेरे पास मिलेगा, सुई से लेकर के तलवार तक और भाले तक सब कुछ मेरे पास में मिलता। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया और दिखाया और समझाया कि चप्पल कैसे बनती है, थाली कैसे बनती है, फीता कैसे बनता है, आप अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं और उसके ऊपर आप अच्छा अच्छा फैंसी डिजाइन कैसे बना सकते हैं, बढ़िया फैंसी चप्पलें आप कैसे बना सकते हैं। हमने आपको सैंडल भी बना करके दिखाया और मेरी मशीन क्या क्या काम करती है वो सब कुछ आपको दिखाया। तो दोस्तों एक मशीन का जूना भी आप पैक कर सकते हैं इसी मशीन से सर, जूना भी, मशीन से जूना भी पैक कर सकते हैं। इसकी सर कितनी कॉस्टिंग आएगी, मतलब अगर कोई जूना बनाना चाहता हूँ, मेरा कोई भी दोस्त इस तरह का अगर जूना पैक करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो ये मात्र 40 रुपए में ये 12 पीस का एक कार्ड बनके तैयार हो जाता है। 40 रुपए में 12 पीस का मार्केट में आप बेचने के लिए जाते हैं तो 10 रुपए का एक जूना मिलता है। बड़े आराम से सर लोग इसको परचेज करते हैं। 12 पीस से 120 रुपए के होंगे, आप कितने में सेल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके, मार्केट आपको खुद करना होगा। ओके ओके, ये आपका इस तरीके से इस मशीन से आपका दोना, पत्तल, ये सब जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं इसी मशीन से पूरा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है सर। अभी आपको सब कुछ हमने बना करके दिखाया, अभी तो सर हमारी व्यूअर्स ने देखा है इस तरीके से, मतलब पेपर्स का सारा कुछ, इस तरह का सनमाई का पेपर भी आप ले सकते हैं मेरे पास से। ये प्लेट बनेगी, ये थाली यही मशीन बनाती है, अभी हमने बना करके दिखाया। इस तरह के डोने ये भी यही मशीन बनाती है, छोटे से लेकर के बड़े। अच्छा, साइज का भी आप अपने हिसाब से जो भी सेटलमेंट होता है पूरा करा देते हैं। आप देख रहे हैं ये है 6 इंची का डोना, ये 7 इंची और ये 8 इंची का बाउल है। इस तरह की रिंकल प्लेट अगर आप केक में, बड़े केक के अंदर अगर प्लेट यूज कर रहे हैं, अंडे में या पेस्ट्री में अगर यूज करते हैं, तो इस तरह की प्लेट का यूज होता है। ये सारी चीज एक इस मशीन से बनने जा रही है। और इस स्लीपर्स भी जो आपने खूबसूरत स्लीपर्स अभी हमारे व्यूअर्स को बना के दिखाया, स्लीपर्स हो गए, आपके सैंडल्स हो गए, तो ये मशीन अगर कोई परचेज करना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो क्या मीडियम होगा सर? सर देखिए, अगर मैं कस्टमर से यही एक गुजारिश करूंगा कि आप मेरे पास आइए, मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास हर तरीके की
मशीनें मिलती हैं मेरे पास 20,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की मशीनें हैं, और यहाँ आकर के आप हमसे डिस्कस करिए और जो उनका बजट है अपने बजट के हिसाब से वो आदमी मशीन परचेज कर सकता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये भी एक मशीन रखी हुई है, तो कस्टमर अपने बजट के हिसाब से मशीन को परचेज कर सकता है। उसका 20,000 का बजट है, 35,000 का बजट है, या बजट है उसका 1.25 लाख रुपए का, ओके ओके, मींस 20 बजट के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारा काम मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और मार्केटिंग करने के लिए भी मैं उनको टिप्स दूंगा। ओके ओके, मींस 20,000 लगा के लोग आपने जैसा कहा साइकिल से लेके अपना आगे की सवारी बढ़ा सकते हैं, घर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके 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 सर, तो मेरे पास अगर आकर के कस्टमर मिलता है तो वो आपकी साइकिल से चल रहा है, पहले साइकिल के बाद उसको मोटरसाइकिल मिलेगी, मोटरसाइकिल के बाद तो यहाँ कार का सब, मतलब सर अपना बिजनेस करके, ऐसा नहीं कि आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके, सो दोस्तों आज मैं ऐसे ही आया था शानदार फैक्ट्री में, मैंने आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप दिखाया। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो कुछ इस तरीके से सर प्रोडक्ट आपके घर तक डिस्पैच कराएंगे। पूरा सर ने जैसा कि वीडियो में बताया, इनके जो भी क्लाइंट्स आप होंगे आपको प्रोडक्ट घर तक पहुंचा के पूरा सेटअप कैसे करेंगे, अपना बिजनेस कैसे करेंगे, उसमें गाइड करेंगे। ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू।